वकील साहब जी, न्यायिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार के खिलाफ आप आवाज उठाते हैं जी, जो गनर हैं ड्राइविंग करते हैं जी, तो आपने कुछ फोटो वगैरह खींची है जी। ऐसा अगर फोटो खींचना हो पेंट से तो मैं उस सजा को भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन गनमैन अगर गाड़ी चलाना अलाउड है ये कहीं मुझे दिखा दे। फरीदाबाद में माँ महिम आए थे, उससे दो दिन पहले बोर्डों पे आपने लिखा हुआ देखा होगा, मैं दिखा देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जिसकी शिकायत हो माँ महिम से मिल सकता है। लेकिन मेरे को तो बहकाया गया कि आप मिलोगे, मिलने नहीं दिया गया। और मैं आपको साफ दिखा रहा हूँ, ये देखो हरियाणा पुलिस गनमैन गाड़ी चला रहे हैं, ये फोटो ये देखो, एक सलूट मार रहे हैं, एक गाड़ी चला रहे हैं, ये देखो, ये देखो ये परसों के हैं। हम 25 फरवरी को जंतर मंतर पर जाएंगे, पीसफुल अपना वो प्रोटेस्ट करेंगे, और साथ ही साथ हमारे साथी गए हुए हैं, हमें परमिशन मिली है, हम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लॉ मिनिस्टर, गृह मंत्री, इन सबको ज्ञापन देंगे और ज्ञापन में मांग करेंगे कि फरीदाबाद में चंद भ्रष्ट जजों की वजह से जुडिशरी बदनाम हो रही है, उनको तुरंत से तुरंत घर बैठाया जाए, और जो हम मेमोरेंडम देंगे उसकी इंक्वायरी की जाए, अगर उस विद एफिडेविट देंगे, हमने पहले भी विद एफिडेविट दिया है। तो गनमैन पे गाड़ी चलाना गुड़गावा का ऑकरेंस, उससे मैंने उससे कुछ दिन पहले कहा था गनमैनों से गाड़ी चलाना बंद करें, कोई बड़ा हादसा हो सकता है, बड़ा हादसा हुआ, और उस बड़े हादसे में वो ट्रायल ऐसे चल रही है जैसे कि मैंने 30 साल की प्रैक्टिस में नहीं देखी, मैं ना पुलिस की वो कर रहा ना किसी की। हमारे हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन में सब बराबर के हैं वकील साहब, पूरे देश ने देखा, हाँ, गुरुग्राम में जो बहुत दर्दनाक घटना थी, हाँ, गनर ड्राइविंग कर रहा था, हाँ, पूरे देश ने देखा, अगर ये कानूनन गलत है तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई जज के ऊपर कि वो गनर से ड्राइविंग क्यों करवा रहे? चलो आपकी बात ये भी मान लेते हैं हम, वो बाजार में गया क्यों था? हाँ ये भी बात है, वो क्यों गए? और छोड़ो, कसाब था, कितने आदमियों का मर्डर कितना किया था उसने, इस गनर ने उससे बड़ा पाप कर, हालांकि देखो इसने बहुत बुरा करा और उनकी फैमिली, मतलब इससे बुरा कोई कर नहीं सकता, लेकिन क्या कसाब से भी ज्यादा बुरा किया था? उसकी ट्रायल कितनी चली थी, निर्भया हत्याकांड की कितनी चली थी, किसी ने उसे ये पूछा कि तू इस तेने ये क्यों क्वेश्चन उठाया? तब आप क्या एक्शन लोगे? मैं तो देखो एक्शन की मैंने बताई नहीं है आपको, क्या ये मैं आप? जंतर मंतर पर हम जाएंगे बस से, गाड़ियों से, और वहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, जिसकी परमिशन हमें महामहिम प्रधानमंत्री और लॉ मिनिस्टर होम मिनिस्टर से मिल जाएगी। ये सारी बातें हम वहां रखेंगे जंतर मंतर पर, ठीक है, धन्यवाद।